सबका स्वागत है, मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधायक विवेक पाटिल के हाथों हुआ पालिका की स्कूली इमारत का भूमि पूजन, विद्यार्थियों को दी जाएगी आधुनिक शिक्षा। डिदोड़े गांव के आदिवासी लाभार्थियों को वितरित किया गया खाउटी कर्ज। फिर एक बार हुई कामोठा में डकैती, तकरीबन 4 लाख रुपयों के मोबाइल लेकर लुटेरे हुए फरार। और नवी मुंबई थोक मंडी में हुए झगड़े में एक युवक को करना पड़ा एनएमसी अस्पताल में भर्ती। शुक्रवार को विधायक विवेक पाटिल के हाथों पालिका द्वारा निर्माण किए जा रहे उद्यशाला की इमारत का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने कहा कि पनवेल नगर पालिका पहले ऐसी नगर पालिका है जिसे जिला परिषद द्वारा स्कूल के निर्माण के लिए निधि उपलब्ध कराया गया है। पनवेल में नगर पालिका के जर्जर स्कूल इमारतों के मरम्मत और पुनर्निर्माण के काम की पहली नींव शुक्रवार को रखी गयी। इन इमारतों के लिए जिला परिषद ने पहल करते हुए तकरीबन 1.5 करोड़ का निधि उपलब्ध कराया है, जिसके चलते पनवेल नगर पालिका की उर्दू माध्यम स्कूल की नई इमारत के काम का भूमि पूजन शुक्रवार को विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, नगर सेवक अरिफ पटेल, श्रीकांत ठाकुर, नगर सेविका सिद्धिका पुंजानी, राबिया अभिषेक, जैनब शेख, कर्नाला स्पोर्ट्स अकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल, फेडरेशन के अध्यक्ष मल्लिनाथ गायकवाड़ आदि गणमान्य सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने अपने भाषण में कहा कि विद्यार्थियों के लिए एक अद्यावत इमारत आने वाले 6-7 महीनों में तैयार की जाएगी, आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी। सुरुवातीलाच या उर्दू शाळेच्या इमारतीचं भूमिपूजन झालेलं आहे असं मी जाहीर करतो। आणि जाहीर करत असतानाच या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना आणि आपल्या ह्या परिसरातल्या राहिलेल्या जनतेला जाहीरपणे सांगू इच्छितो की एक सुसज्ज आणि चांगली इमारत आम्ही येत्या 6 महिन्याच्या आत बांधून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोकळी करतो। आपल्या मोहल्ल्यामध्ये कामापेक्षा अफवा पसरवण्याचं काम जास्त होतं। आता शाळा बांधायला घेतली तो ते पैसे कुठून आणणार? लागतील तेवढे पैसे टाकू, पण ही इमारत 1 नंबरची केल्याशिवाय आम्ही ठेवणार नाही, ही ग्वाही मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो। मी अभिमानाने सांगतो आणि तुम्हास। वही अपने भाषण में श्री पाटिल ने आगे ये भी कहा कि ऐसी पहली नगर पालिका है जिसे जिला परिषद ने निधि उपलब्ध कराया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। मी 32 वर्ष राजकारणामध्ये काम करतो, पण 32 वर्षात जिल्हा परिषदेची ग्रांट नगरपालिकेमध्ये जमा झालेली मी आयुष्यात पहिल्यांदाच बघली। हे माझा चॅलेंज आहे की या राज्यामध्ये अशी कुठलीही नगरपालिका दाखवा की जिथं जिल्हा परिषदेचे फंड्स आम्ही वापरून इथल्या शाळाच्या इमारती बांधलेल्या आहेत। आपला फार चांगलं काम निश्चितपणे करायचं आहे, आणखी आपण केल्याशिवाय ठेवणार नाही। आता अफवापासून काही लोक गेली, आमचा निधी वापरत नाही म्हणून काय नगरपालिकेत मोर्चा काढला, काय गेले 5-6 लोकांनी टी व्हीवर दाखवले, मला कोणतरी सांगितलं। अरे पैसे आणायला पण अक्कल लागते आणि पैसे वापरायला पण अक्कल लागते। आता तुमच्याजवळ ती अक्कल नाही, त्याला आमचा दोष काय? आम्ही आणले ना जिल्हा परिषदेतनं 1-2 लाख रुपये, 25 कोटी आणले नगरपालिकेत, जिल्हा परिषदेचे आणले। काल आम्ही त्या उद्यानाचं गार्डनचं त्या ठिकाणी उद्घाटन केलं, 1.5 कोटीची गार्डन आपण त्या एका बिल्डरकडनं कल्पतरू बिल्डरकडनं 1.5 कोटीची इमारत बांधून घेतली, 1.5 कोटीचं उद्यान आपण त्या ठिकाणी बांधून घेतले, 14.5 कोटीचे रस्ते पनवेल शहरातले आपण काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय नगराध्यक्षाने आपल्या सर्व नगरसेवकांनी घेतलेला, ही सारं कामं आपण करणार आहोत। पण या ठिकाणी आपल्याला अभिमानानं सांगेल की 250 विद्यार्थी शाळेत शिकतात, पण पुढच्या वर्षी या शाळेचं स्वरूप, या शाळेमध्ये असणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा, आपला असणारा शैक्षणिक स्टाफ, आपलं या ठिकाणचं असलेलं सगळं ॲटमॉस्फियर बघितल्यानंतर 250 विद्यार्थ्यांचे 350 विद्यार्थी झाल्याशिवाय राहणार नाही या ठिकाणी, असा मी विश्वास या ठिकाणी आपल्याला देत आहे। ताकि अब देखा जाए तो विद्यार्थी और उनके अभिभावकों ने शिक्षा को लेकर जो सपने संजोए थे वो जल्द ही पूरे होने वाले है। नींद उड़ चुकी है, एक हफ्ते के भीतर ही कामोटा में दूसरी बार लूट को अंजाम दिया गया। शुक्रवार की बीती रात कुछ अज्ञात लुटेरों ने कामोटा सेक्टर 7 में एक मोबाइल गैलरी में तकरीबन 4 लाख रुपयों के कीमती माल पर हाथ साफ किया। दूसरी बार हुई इस घटना के बाद कामोटा वासी आतंक के साए तले जीने पर विवश हो रहे हैं।
कामोटे सेक्टर 7 में स्वामी समर्थ ज्वेलर्स में हुई डकैती के बाद कामोठावासी सत्ते में आए हुए थे। इस घटना को एक हफ्ता भी नहीं बीता तो फिर एक बार कामोठा में डकैती को अंजाम दिया गया। यह घटना सेक्टर 7 की ही है। श्रद्धा हेरिटेज इमारत में हरीश पुरोहित नामक व्यक्ति की आशीर्वाद मोबाइल गैलरी है। हरीश पुरोहित जब सुबह अपनी दुकान खोलने आया तब उसे मालूम पड़ा कि उसकी दुकान को लूट का शिकार बनाया गया है। श्री पुरोहित ने इस बात की जानकारी कलंबोली पुलिस को दी। मौका न गवाते हुए पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पहुंची। हम आपको बता दें कि इमारत में प्रवेश करने वाली खाली जगह से इन लुटेरों ने दुकान में शिरकत की। बताया जा रहा है कि घटना रात को 2 से 4 बजे के दौरान घटी होगी। इस विषय पर हमारे प्रतिनिधि ने दुकान के मालिक हरीश पुरोहित से बात की। सुबह में शॉप खोलने के लिए अपना 8:30 बजे तक आया, 8:30 बजे तब मेन गेट का जो लॉकेज है, जाली के दो लॉक थे वो ऑलरेडी ओके थे, शटर के दोनों ओके थे और बीच में का लॉक था वो भी ओके। जब मैं शॉप खोल के अंदर गया तब अंदर जाके देखा तो सब सामान बिखरा हुआ था, एकदम पीस वगैरह सब खुले हुए थे और खाली बॉक्स पड़े हुए। फिर साइड में अंदर जाके मैंने देखा तो साइड की दीवार का एक वॉल था छोटा। वही इस विषय पर जब कलंबोली पुलिस थाने के इंचार्ज श्री तांबे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हर एंगल से तहकीकात की जाएगी। पुलिस प्रत्येक गोष्टीकडे गांभीर्याने बघतात, त्याला काय असं विशेष कुठला छोटा गुन्हा म्हणून गांभीर्य कमी किंवा असं नाही, गांभीर्याने प्रत्येक गोष्ट बघतात, त्याप्रमाणे गांभीर्याने चालतात। राहता राहिली दुसरी सुरक्षेच्या दृष्टीने ते आवश्यक ते सर्व उपाय वीट मार्शल नेमलेले आहेत आणि शक्यता नगर याला एक पाठीमागून सुद्धा एक रस्ता आहे तो आता बघितलेला आहे। पाठीमागून शक्यता आहे, पाठीमागून पण हे आणि ह्याच्यामध्ये माहितीगार लोकांची काही शक्यता नाकारता येत नाही, त्या दृष्टीने तपासणी तपास करीत आहोत। घटना की जानकारी मिलते ही शेकापक्ष के सहसचिव सकाराम पाटिल घटनास्थल पहुंचे और घटना का जायजा लिया। कुल मिला के देखा जाए तो कामोटा में एक हफ्ते के अंतराल में दो जगहों पर हुई चोरी से जहां जनता सकते में है तो पुलिस के लिए लुटेरे को पकड़ना एक चुनौती बन चुकी है। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर करनाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखापरीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्स वर आकर्षक व्याज, दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबई द्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक, त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक, या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार 9:30 ते 1:30 आणि 2:30 ते 6:30 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला।
पत्ता टपाल नाका उरण रोड पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 2745911 2746200 आणि 3298-3363। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा, कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड, अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांजा, इंडिगो सीएस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहाँ तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा। क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने, आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए। साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है। शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, सांची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी। यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए। यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी, हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाए सुपर नेट साड़ी, हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 बार 12 बार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको सांची में मिलेंगे। एक हसीन ख्वाब सांची, दिन की पहली किरण सांची। सांची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल। फोन 2745-3435। पूरन तालुका अंतर्गत दिगुड़े गांव में शुक्रवार को विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में सरकार के आदिवासी विकास महामंडल द्वारा आदिवासी लाभार्थियों को खावटी कर्ज के चेक वितरित किए गए। इस योजना अंतर्गत 70% वस्तुएं वितरित की गई तो 30% का धनादेश दिया गया। इस योजना का लाभ लाभार्थियों को 1 साल तक मिलने वाला है। सरकार के आदिवासी विभाग योजना अंतर्गत उरन तालुका के दिगोटे गांव में आदिवासी लाभार्थियों को खावटी कर्ज का वितरण शुक्रवार को विधायक विवेक पाटिल की उपस्थिति में दिया गया। इस अवसर पर शेकापक्ष के वरिष्ठ कार्यकर्ता काका पाटिल, पंचायत समिति के सदस्य नरेश घरत, नरेश जोशी, सुरेश पाटिल, उप प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री भालेराव, NS पाटिल, श्री घोड़के, उरन महिला आघाड़ी की अध्यक्ष सोनिया मयेकर आदि गणमान्यों सहित लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने लाभार्थियों को संबोधित किया। मी या ठिकाणी जे माझे आदिवासी बांधव आहेत त्यांना एक गोष्ट सांगू इच्छितो की हे आपल्याला दिलेले कर्ज आहे, काही पुढारी स्वयं लोकप्रियतेसाठी ना हे तुम्हाला दिले आता फुकट दिले, ह्याला काय हे पुन्हा काय तुम्ही भरायचं वगैरे नाही असं सांगतात, आणि असं सांगितल्यामुळे नुकसान कुणाचं होतं हे लक्षात ठेवा, तुम्ही नुकसान हे तुमचं होतं। कारण आता भालेराव साहेबांनी सांगितलं की 3000 रुपयाची ही कर्ज तुम्हाला आपण द्या शासनातर्फे देणार आहोत। आता हे कर्ज का देण्यात येतं, खरं शासनाची अंमलबजावणीची देखील चूक आहे,
कारण जनरली पर आदिवासी आमचे जे बंधू आहेत जे कुठे रोजगार का करतात, कुठल्या कुणाच्या शेतावर कामाला जातात, कुठे कामाला जातात आणि आपलं उदरनिर्वाहाचं साधन करत असतात. पण एकदा भाताची लावणी झाली की मग आदिवासी बांधवांना कुठेही काम राहत नाही, ते अगदी कापणी होईस्तोत. आणि मधल्या काळामध्ये त्यांची जी परिस्थिती असते ती फार अवचड असते, बिघड असते, कारण त्याच वेळेस शेतकऱ्याकडे पण काही नसते. शेतकऱ्याचं पण एकदा लावणी झाली की मग कापणीपर्यंत शेतकऱ्याकडे पण काय नसते, आणि आपल्याकडे शेतीवर जगणारा आदिवासी समाज असो आणि कोणाच त्यासाठी नसतो. तर हे जे माझे आदिवासी युवक इथं आहेत त्यांना सांगतो का तुम्ही ती यंत्रणा आता आपल्याला पुढे केली पाहिजे. जे शिकलेली मुलं मुली आपल्यातली आहेत त्यांनीही यंत्रणा उभी केली पाहिजे आणि त्या ह्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फत आपल्याला वेळेवर आणायला पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये 3000 रुपये कर्ज आहे, त्याच्यातलं 900 रुपये आपल्याला माफ करण्यात येणार आहे सूट, पण 2100 रुपये कर्ज आपल्या डोक्यावर कायम राहणार आहे. पण आता जर आपण का आम्ही मगाशी म्हणालो, काही पुढारी आपलं सांगतात नुसतंच हा तुम्हाला दिलं फुकट 3000 दिले फुकट, आता आम्ही ते असलं काय नसते, कुणाची मेहरबानी नाही, हे तुमचा अधिकार आहे आणि ह्याच्यात तुम्हाला सांगतो कुणालाही रुपया द्यायचा नाही. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्यों के हाथों लाभार्थियों को खावटी कर्ज के चेक एवं गेहूं चावल वितरित किए गए. व्यापारियों के बीच दंगा भड़क गया जिसमें एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल. तो आइए जानते हैं झगड़े की वजह क्या थी और क्या कहना था व्यापारियों का. नजर डालते हैं खबर पर. नवी मुंबई वाशी में फल तथा सब्जी की थोक मंडी है जहां से रोजाना हजारों टन फल तथा सब्जी मुंबई तथा नवी मुंबई के लिए बेची जाती है. इस मार्केट में सभी जाति पंथ के लोग व्यवसाय करते हैं, लेकिन यहां एक युवक को पीटने की वजह से गुस्साए व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा और झगड़े को अलग ही रख दिया गया. गनीमत ये रही कि समय रहते एपीएमसी पुलिस घटनास्थल पहुंची और गुस्साए व्यापारियों को समझाने में पुलिस कामयाब रही. एपीएमसी फ्रूट मार्केट में सुबह से ही 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी तथा एसीपी डीसीपी सभी पहुंच गए थे. वजह यह थी कि यह झगड़ा हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया था. हालांकि सच्चाई यह है कि झगड़ा सिर्फ 2700 रुपये के लिए हुआ था, जिसमें अनिल नामक युवक को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया कि उसे एनएमसी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है. झगड़े में शामिल लोगों की फेहरिस्त व्यापारी वर्ग ने दी है, जिसमें राहत खान, इशाक खान तथा अफ्ताब खान शामिल है. इस पूरे घटनाक्रम के विषय में जब हमारे प्रतिनिधि ने पीड़ित व्यापारी से बात की तब उसका साफ कहना था कि ये तीनों भाई मार्केट में दादागिरी करते हैं और अब यह 11वीं बार है. अब खुद देखिए पीड़ित व्यापारी का क्या कहना था. भारती जी की इतनी गंभीर रूप से झगड़े इसलिए हुआ कि ये लोगों ने हमेशा ये लोगों ने हम लोगों के ऊपर कमजोर जान करके ये लोग मारते पीटते ये लोग आ रहे हैं हमेशा. ये लफड़ा एक रहवा पा रहे हैं. हम लोग पुलिस स्टेशन तक ले इनकी डर से हम लोग जाते हैं नहीं सर. आखिर कौन है जो हमेशा आप लोगों को दबाता है, कौन है वो? ये राहत खान है. राहत, नसरत, इशाक, अल्ताफ और उसके बाद में एक बंटी नाम का एक लड़का है, उसके बाद में पूरा नुविंदा ग्रुप है. वही इस मसले पर फल सब्जी मार्केट के अध्यक्ष से भी बात की गई, तब उन्होंने साफ साफ कहा नहीं, इसको कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम का रंग का कोई बात है नहीं. ये 2 व्यापारियों का आपस का झगड़ा था. कल से हम लोग इसके सुलटाने के चक्कर में थे, अभी तो कोई सलट नहीं पा रहा था. और क्या हो गया कि एक आदमी को ज्यादा मार लगने की वजह से थोड़ा लोगों का सेंटिमेंट ज्यादा हो गया था कि भाई ऐसा इस मार्केट में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना आइंदा आगे होना चाहिए. इसलिए लोग थोड़े से चाहते थे कि भाई इसको अच्छी तरीके से सलटा जाए. बाकी ये इस माहौल को ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का ऐसी कोई बात ही नहीं. अभी 50 साल से हम लोग हिंदू है, मुस्लिम है, सिंधी है, हम लोग एक साथ काम करते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का माहौल कुछ है नहीं. मार्केट में कई पीड़ित व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि ये तीनों भाई मिलकर अब तक कई व्यापारियों के साथ हाथापाई कर चुके हैं. 2 साल पहले के हमको ये लोग मारने के लिए आए, उसमें इन लोगों का कोई बड़ा है, वो राहत खान है, मुर्तजा खान है. वो लोग आए बोले भाई मारामारी नहीं करो, तो मेरे को धमकी दे के कल तुम यहाँ दिखना नहीं, नहीं तो हम तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे. इन्होंने मारामारी किए,
खाली पैसे के लिए अभी जैसा दो रोज हो गया, दो रोज में अगर हमने पैसा नहीं दिया तो जब भी माल लेते समय बोलते चरौरी करके आप माल लेके जाइए, जब मैंने माल लेके गया और दो दिन बीत गया उसके बाद बोलते भाई साहब, मैं बोला भाई साहब पैसा देता हूँ दो दिन में, तो बोलते पैसा क्यों नहीं देता है, ऐसा हम लोग को दंडाटी का दे करके यहाँ पर मारे। नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल में भर्ती अनिल नामक युवक की अगर जिंदगी बच जाती है तो ये मामला यही खत्म हो जाएगा। फिलहाल मामला पुलिस के पास है, ऐसे में देखना होगा इस झगड़े पर एपीएमसी पुलिस क्या हल निकालती है। कैमरामैन किरण पाटिल के साथ नवी मुंबई से कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारा डिपार्टमेंटल स्टोर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000 जास्त वस्तूंच्या व्हरायटी, धान्य कडधान्य ताजा भाजीपाला स्टेशनरी कॉस्मेटिक्स गिफ्ट आर्टिकल्स भांडी प्लास्टिक आयटम फर्निशिंग त्याचबरोबर जेंट्स लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गार्मेंट सुद्धा। डी मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट दररोज डिस्काउंट दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 9E सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ रोडपाली गाव रोड कळंबोली। डी मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91-67-30-75-80 म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट। किसी फिल्म टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं सारी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सारी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी सारीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है। कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ। यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विद वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विद फैंसी वर्क, पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी। हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी। बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2 नील अथर्व MTNL रोड अपोजिट दुर्गा माता मंदिर पनवेल। क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइज़न हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइज़न हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए, तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइज़न हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार, आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार। काइज़न हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइज़न हुंडई, गट नंबर 33 पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज के पास पनवेल। हमारे संपर्क नंबर है सेल्स विभाग
0226135999। सर्विस विभाग 0226135900 और हेल्पलाइन नंबर है 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और दो शाखाएं अलीबाग और करजत में। तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में। पनवेल कृषि उत्पन्न बाजार समिति की सर्वसाधारण सभा शुक्रवार को समिति के कार्यालय में संपन्न हुई। इस सभा में विभिन्न मुद्दों को उपस्थित कर उस पर चर्चा की गई। पनवेल कृषि उत्पन्न बाजार समिति की वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार को संपन्न हुई। इस सभा के लिए सभापति राजेंद्र पाटिल, उपसभापति गणपत बुआ दाबने आदि गणमान्य सहित संचालक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस सभा में वार्षिक अहवाल की जानकारी संचालकों को दी गई। एक ठळक अशी आपण तरतूद करायला मागतोय की जेणेकरून वरण तालुक्यात वरण तालुक्यातील जे शेतकरी आहेत, गोरगरीब शेतकरी आहेत, आपल्याकडे बहुतेक बहुतांशी ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये किंवा मे एंडिंगला कधी कधी गोठ्यांना आग लावून गुरे वगैरे जणू खाक होतात आणि मग शेतकऱ्यांचं प्रचंड असं नुकसान होतं। ते होऊ नये आणि ते झालेल्या शेतकऱ्याला त्याच्या आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी विशेष आपण आर्थिक तरतूद करायला मागतोय। त्याप्रमाणे आपण धंदाशीर पट ठराव करून घेतलेला आहे आणि पणन संचालकांची मागणी करतोय। दुसरा जो शेतकरी गरीब शेतकरी आहे, त्या शेतकऱ्याच्या घराला चुकून आग वगैरे लागली, त्याचा नैसर्गिक आपत्ती खरं नुकसान झालं, तर त्याला काहीतरी आपल्या बाल समितीच्या वतीनं हातभार लागावा या एका उदात्त हेतून, मग तो शेतकरी कुठल्याही राजकीय पक्षाचा असो, तो शेतकरी कामगार पक्षाचा असो, काँग्रेस पक्षाचा असो, राष्ट्रवादीचा असो, शिवसेनेचा असो, त्याला मदत बाल समितीकडे मिळालीच पाहिजे। एकमात्र उद्देशानं आपण ही सुद्धा 3 लाख रुपयाची तरतूद करायला मागतोय आणि अशा प्रकारे तरतूद करून मला वाटतं रायगड जिल्ह्यामधली पहिली बाल समिती असेल की अशा प्रकारे तरतूद आपण मागे करतोय। धिंगाशेठ पाटलांच्या सूचनेप्रमाणे आपण आदरणीय आमदार जयंतभाई पाटील यांच्याकडे विनंती करून अलिबाग बाजार समितीच्या कडनं एनओसी प्राप्त करून घेऊन उरणमध्ये उपबाजार चालू करायला आपण आता ठराव घेतलाय आणि जर तो आपल्याला चांगल्या प्रकारे आपल्या मनाप्रमाणे आपलं स्वप्न साकार झालं तर भिंगण पडलांच्या स्वप्नातला आपण एपीएमसी साकार करू शकतोय, जेणेकरून 100 कोटी रुपयाचं उत्पन्न आपलं जाऊ शकतोय आणि अशा फार मोठ्या प्रमाणात आपण आजच्या या वार्षिक सभेमध्ये चांगले मोठे निर्णय आपण घेतलेले आहेत। साथ ही विभिन्न विषयावर भी सभा में चर्चा की गई। आज से 2 दिन पहले नेरूर रेलवे स्टेशन के पास एक युवक को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया था। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। तो आइए देखते हैं आरोपी कैसे पहुंचे पुलिस के गिरफ्त में। कुछ दिन पहले नवी मुंबई नेरूर स्थित रेलवे स्टेशन के करीब एक युवक की हत्या कर दी गई थी। हालांकि आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए थे। पुलिस के लिए ये गुत्थी सुलझाना काफी कठिन था क्योंकि कत्ल का आरोपी पारधी समुदाय का था और उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। ऐसे में पुलिस के लिए आरोपी को ढूंढ निकाल पाना काफी कठिन था, लेकिन नेरूर पुलिस ने चंद घंटों के भीतर फरार आरोपी को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम है सत्यपाल भोसले तथा अनुज भोसले। चंद रुपयों के लिए इन दोनों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। फिलहाल नेरूर पुलिस को एक कत्ल के राज से पर्दा उठाने में कामयाबी हासिल हुई है। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लूटने के फिराक में घात लगाए बैठे थे। इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, पुलिस ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। खबर विस्तार से। नवी मुंबई में कई बड़े होटल खुल गए हैं, जिसमें धनाढ्य लोगों का आना जाना लगा होता है। इन्हें धनाढ्य व्यक्तियों को लूटने के इरादे से मुंबई के 4 युवक वाशी स्थित एपीएमसी मार्केट के करीब होटल योगी एग्जीक्यूटिव में ठहरे व्यक्तियों को निशाना बनाने के इरादे से आए हुए थे। आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही पुलिस ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। जी हाँ, 3 आरोपी पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे और एक भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए सभी आरोपी 19, 20, 21 आयु वर्ग के हैं, जिसमें से 3 आरोपी गोवंडी के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों का नाम है मोहम्मद सद्दाम असलम अंसारी उम्र 20, मोहसिन मोहम्मद असलम खान उम्र 20 तथा शफीकुल रहमान वकील्ला। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 धारदार तलवार जब्त की है। फिलहाल एक आरोपी फरार है, जिसके एपीएमसी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
पुलिस का कहना है पकड़े गए आरोपियों से बहुत से अनसुलझे क्राइम की घटनाओं से पर्दा उठाने की संभावना है। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधायक विवेक पाटिल के हाथों हुआ पालिका की स्कूली इमारत का भूमि पूजन, विद्यार्थियों को दी जाएगी आधुनिक शिक्षा। डिदोड़े गांव के आदिवासी लाभार्थियों को वितरित किया गया खाउटी कर्ज। फिर एक बार हुई कामोठा में डकैती, तकरीबन 4 लाख रुपयों के मोबाइल लेकर लुटेरे हुए फरार। और नवी मुंबई थोक मंडी में हुए झगड़े में एक युवक को करना पड़ा एनएमसी अस्पताल में भर्ती। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 2745733838। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।